हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान स्कोप में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो भी डेली का कैश आता है उसे हम कैसे मैनेज करते हैं और उसे कैसे बैंकिंग करते हैं, इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी कंपनी की डिनोमिनेशन शीट है। इसमें हमारे पास जो भी पैसे डेली का आता है और जो भी पैसे हम बैंकिंग कराते हैं और जो भी हमारे पास एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसको हम कैसे एंट्री करते हैं, तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कस्टमर का कार्ड नंबर है और इतना अमाउंट कस्टमर ने अपने कार्ड में डलाया है और ये नोट की डिटेल है, इतने नोट कस्टमर ने दिए हुए हैं। तो ऐसे ही एंट्री करना होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से इसे एंट्री करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कल का बचा हुआ कैश है वो हम सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करेंगे। और उसके बाद हम कस्टमर का कार्ड नंबर डालेंगे। और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे नोट की डिटेल। तो दोस्तों, ऐसे ही सारे में करना होता है। तो मैं थोड़ा और एंट्री कर देता हूँ, फिर बताता हूँ एक्सपेंस कैसे डालते हैं। तो यहाँ तक हमने एंट्री कर दिए हैं। अब बता देता हूँ एक्सपेंस कैसे डालेंगे। तो मान लीजिए, इसमें से आपको पैसे निकालने हैं, एक्सपेंस दिखाना है, या कहीं पे आपको खर्चा करना है, या किसी को देना है, तो यहाँ पर आप अपना नेम या जिस लिए आपको खर्च करना है वो यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, या जिसको देना है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे और नोट की डिटेल माइनस में लिखेंगे, जितने नोट निकालेंगे यहाँ से खर्चे के लिए। और ऐसे ही आपको बैंकिंग भी करनी है। अगर हमको पैसे बैंक भेजने हैं तो हम यहाँ पे बैंक नाम डालेंगे और जितने पैसे हमको बैंक भेजना है उतने नोट हमें माइनस करना होगा। तो ये भी कर देता हूँ। तो अब दिखाता हूँ कितने पैसे अब यहाँ पे बचे होंगे। तो इसको कर देते हैं स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इतना पैसा बचा हुआ है मेरा। तो ऐसे ही मैनेज करते हैं डेली के अर्निंग। तो दोस्तों, इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो।